हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप IRCTC से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, समर सीजन चल रहा है और ट्रेन टिकट की जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टिकट बुक करके भी बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने एक टिकट बुक कर रखी है जो आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर शो हो रही होगी। चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको IRCTC की सहायता से ट्रेन टिकट बुक करना है। तो यहाँ पर आपका क्या करिएगा, एक न्यू टैब ओपन करना और यहाँ पर आपको IRCTC की वेबसाइट सर्च कर देनी है। तो यहाँ पर सर्च करेंगे IRCTC, तो यहाँ पर आप जैसे ही फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज निकल के आएगा। आप फर्स्ट नंबर पे जाकर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और आपके सामने ये वाला पेज जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप ओके करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन वाले पेज में क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, आपकी ऑलरेडी ID होगी तो आप इससे लॉगिन कर सकते हो। अगर आपकी ID नहीं है तो आप क्या करिएगा, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि किस तरीके से आप IRCTC की ID बना सकते हो, किस तरीके से आपको यूज़र नेम रखना है, किस तरीके से पासवर्ड क्रिएट करना है। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर किए हैं कि कैसे आप IRCTC में अपने यूज़र ID एंड पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख लेना। मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद आपको जो वेबसाइट का इंटरफेस वो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब आप थोड़ा सी समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें बुक टिकट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रॉम मतलब कि आपको कहाँ से जाना है, कहाँ तक, टू मतलब कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पर जबलपुर से जाना है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप अपने जो भी स्टेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर जबलपुर सर्च कर देता हूँ, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने निकल के आ गए हैं। और यहाँ पर मुझे जाना है दिल्ली, तो यहाँ पर मैं जबलपुर के बाद यहाँ पर दिल्ली सर्च कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी जो स्टेशन है वो यहाँ पर आपके सामने निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टेशंस हैं वो हमारे सामने ऑलरेडी निकल के आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट को आपको जाना है। तो फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर 27 तारीख यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सर्च वाले बटन में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सर्च वाले बटन में क्लिक करोगे, थोड़ा सा इसका सर्वर इश्यू है, बट यहाँ पर आप ट्राई करके देखिएगा, 100% आपके रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सर्च वाले बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ रिजल्ट शो होने लगेंगे, जहाँ पर हमें बताया जा रहा होगा कि कौन कौन सी यहाँ पर ट्रेन अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर 4 रिजल्ट जो है इसके निकल के आए हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने की कितनी ट्रेन अभी अवेलेबल हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड निकल के जाएगा, जहाँ पर आप चेक कर सकते हो 2S की कितनी टिकट्स अवेलेबल हैं। देन इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लीपर की, AC की, आप इसी के साथ साथ AC 3rd, AC 2nd और AC 1st क्लास की सारी टिकट्स आप चेक कर सकते हो। अब 2S की टिकट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि फ़िलहाल नॉट अवेलेबल बता रहे हैं, ये सारी बुक्स हो चुकी हैं। और यहाँ पर WL 45 मतलब वेटिंग लिस्ट में है, अगर कोई कैंसिल करता है तब, अगर आप इसमें टिकट बुक करते हैं तब वो वाली टिकट आपको दे दी जाएगी। बट यहाँ पर 45 लोग अगर कैंसिल करेंगे तब जो नेक्स्ट अगला नंबर रहेगा वो आपका रहेगा, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि स्लीपर की टिकट यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, आप देख सकते हैं कि जिस डेट को मैंने सर्च किया था उस डेट को अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं नीचे और भी टिकट्स चेक कर लूँगा, आप भी कुछ इसी तरीके से आप अपने हिसाब से टिकट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी टिकट्स चेक कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 17:45 मतलब 5:45 से लेकर दिन के जो 5:45 से लेकर 12:20 मतलब कि अगले ही दिन 12:20 को जो ट्रेन है आपकी यहाँ पर पहुँचेगी, जहाँ पर आपको जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी स्टेशन है, उसका नाम यहाँ पर हमारे सामने शो हो रहा होगा, जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है। तो यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे सिंपली इस वाले सेक्शन पे, और जो टिकट का प्राइस है वो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टिकट के प्राइस में क्या क्या है, आप देख सकते हैं बेस फेयर, फेयर और रिजर्वेशन चार्जेस, सुपर फास्ट चार्जेस, ये सारे आप देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर अपने को बुक नाउ वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं IAGRE में क्लिक कर दूँगा और यस कर दूँगा। अब यहाँ पर आप एक बात और चेक कर लीजिएगा, आपके जो भी स्टेशन हैं वो बिल्कुल सही हैं या नहीं है, ट्रेन की डिटेल चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल डालनी होगी पैसेंजर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी डिटेल निकल के आ गई है कि कितने समय हमें जाना है, डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें निकल के आ गई है। अब यहाँ पर आप पैसेंजर से रिलेटेड डिटेल डालेंगे, जैसे कि कितने पैसेंजर जाए हैं, अगर आप चाहें तो और भी पैसेंजर ऐड कर सकते हैं जो आपके साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं पैसेंजर से रिलेटेड जो है डिटेल यहाँ पर
फिल कर देता हूँ। तो चलिए मैंने फटाफट से डिटेल सारी यहाँ पर फिल कर ली है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपने को मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डिटेल अपने को रिवेरीफिकेशन कर लेना है एक बार कि हाँ जो भी हमने डिटेल फिल करी है वो बिल्कुल सही है नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर फिल कर दिया है। यहाँ पर आप नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस और देखने को मिलेंगे, जैसे आप रिजर्वेशन चॉइस, यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी जो चॉइस है वो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली यस में क्लिक करके यहाँ पर आप चाहें तो UPI, PTM, फ़ोन पे किसी भी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर PTM या जो भी UPI है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने जो अवेलेबल हैं वो बताई जा रही है, कितनी सीट्स यहाँ पर और भी अवेलेबल हैं और जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आपके साथ भी कुछ ऐसी डिटेल्स होगी। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आप नीचे जाइएगा और यहाँ पर आपके जो भी पेमेंट है, जितना भी पेमेंट करना है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल हमारे सामने निकल के आ गई है और आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक कर देना। चलिए मैं अभी यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपके मोबाइल नंबर में एक OTP फॉर बुकिंग, मतलब कि बुकिंग OTP सेंड करी जाएगी, उसको आपको यहाँ पर सही सही फिल करना होगा। जो भी आपने नंबर प्रीवियस में दिए थे उस नंबर पे बुकिंग OTP सेंड करी जाएगी। तो इस नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक कर देता हूँ। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए यार आप हमारे चैनल को रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा बनाते रहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का वाला अगला पेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करिएगा, इसके बाद आपके सामने जो PTM का जो भी है UPI है वो यहाँ पर निकल के जाएगा। आप PTM की मदद से नॉर्मली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पे वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर जो UPI के पेज है उसमें रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी है नॉर्मली, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो PTM नंबर होगा वहाँ पर OTP सेंड करी जाएगी और आपको उस OTP को यहाँ पर डाल देना है। फिर इसके बाद क्या होगा, नॉर्मली आपका जो पेमेंट है यहाँ पर 5 मिनट का यहाँ पर टाइमर दिया जाएगा और आपके PTM में नोटिफिकेशन आएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टिकट डिटेल है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर नॉर्मली प्रिंट टिकट में क्लिक करके टिकट को प्रिंट कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया तो आप यहाँ पर बारकोड के थ्रू ये सारी काम हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यार कि कुछ इस तरीके से आप ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर कोई पेज नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बार बार आपको रिट्राई करना पड़ेगा क्योंकि IRCTC की जो वेबसाइट है वो काफ़ी स्लो चलती है और इसमें मुझे काफ़ी सारे ऐसे लैग्स है जो देखने को मिले टाइम टाइम पे। बट कुछ इस तरीके से आप सिंपली अपनी जो टिकट बुकिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं और आप जहाँ भी जाना चाहें उसके लिए मेरी तरफ से हैप्पी जर्नी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को ऑल पे सेलेक्ट करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।